आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग दो का पुनरावृत्ति। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम पुनरावृत्ति डाल दिया करिएगा, तो मैंने उनके लिए प्रयास किया है। आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने संस्कृत ये जो सिलेबस का बुक है मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ कि बहुत से स्कूलों में शिक्षक जो हैं इसे पूरी तरह से बच्चों को नहीं कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मेरे स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने कोशिश की कि उन तमाम बच्चों के लिए मैं इस भाषा को आसान बना सकूं। मेरा प्रयास रहेगा आप सबों के लिए कि मैं बहुत ही इजी वे में आपको, मेरे पास जो संसाधन है उसमें मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती रहूं। तो आप इसे शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोग हैं जो कि अनजान हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पाठ समझ में आए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उदाहरणानुसार रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ देखेंगे लट लकार की क्रिया में समानुपात लगा करके इसको भूतकालिक क्रिया बनाया गया है, तो और दूसरे वाक्य में आपको इसको लंग लकार में परिवर्तित किया गया है, तो यहाँ पे आपको समानुपात लगा करके भूतकालिक क्रिया को लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो पठत स्म अपठत, लिखत स्म अलिखत, कथत स्म अकथ्यत, छालयत स्म प्रछालयत, हसत स्म अहसत। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित लिखितानाम विपरीतार्थकानाम शब्दानाम परस्परम मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए विपरीत शब्दों को आपस में मिलाना है, तो अत्र तत्र श्वेत श्वेतः कृष्णः उच्चय निच्चय तीव्रम शनः प्रशंसाम निंदा निंदाम विद्वान मूर्खः। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को अधोलिखितानाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द जो है वो है रक्षायै, तो इसकी विभक्ति है चतुर्थी और एक वचन, ये अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। वार्ताम वार्ताम, वार्ता शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन। जंघाम ये भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। दुखेन दुखेन तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। गतिशु षष्ठ विभक्ति है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 4 में, पाठानुसार रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पठितो नास्म्यहं किंचित तथापि साक्षरो अस्म्यहं, शोभितो अस्मि शिखण्डेन दीर्घ पक्षैर अलंकृतः, पादय पिबामि खादामि दूषितं पवनं सदा, तिष्ठामि सुस्थिरो भूमौ न च गच्छामि कुत्रचित्, क्वाचित् वायु समं सूक्ष्मं मा पश्यन्ति सदा जना। ये टॉपिक्स आपका पहली का पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, समानार्थकानाम शब्दानाम परस्परम मेलयेत्। समानार्थी शब्दों को एक समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। देशः राष्ट्रम, उत्तरस्याम उदिच्याम, भूमि पृथ्वी, नदः सरिता, पुत्रः श्रुतः। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप विद्यार्थियों को ये समझ में आ जाएगा। आपको ये प्रयास कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।